हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हाउस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बिकॉज यहां पर हम लोग सिर्फ आपको एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज कास्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल है हमारा कि पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका कि कल निधन हो गया 16 अगस्त को, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया, वह कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो कितनी बार रह चुके थे, वो टोटल 3 बार रह चुके हैं, अभी तक रह चुके थे प्रधानमंत्री। सबसे पहला टेन्योर क्या था, जरूरी है, इनको 2015 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 2015 में भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। तो सबसे पहला टेन्योर था उनका 1996 में 13 दिनों का। फिर नेक्स्ट था 1998 में, अप्रैल 1998 को 13 महीनों तक का, मार्च 1998 से अप्रैल 1999 तक। और उसके बाद फिर अक्टूबर 1999 में फिर चुनाव होती है और फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी आती है और 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर और भी क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं, जैसे देखिए एक मिनट, कि वे लोकसभा सांसद कब बने? तो 1957 में बने वे, मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार राज्यसभा सांसद कब बने, तो 1962 में बने। तो ये सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इन्हीं के कार्यकाल में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिस पे कि मूवी बनी हुई है पोखरण, वो आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इन्हीं के कार्यकाल में ये टेस्ट हुई। फिर ये भाजपा के पहले अध्यक्ष थे, ये भाजपा जो पार्टी का गठन हुआ 1987 में, तो ये भाजपा के पहले अध्यक्ष थे, जैसे अभी अमित शाह हैं। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। और 2014 में इनका 90वां जन्मदिन जो है वो गुड गवर्नेंस डे के तौर मना गया। इनका जो जन्मदिन होता है वो होता है 25 दिसंबर को, और 2015 में वो भारत रत्न से नवाजे गए थे। फिर नेक्स्ट है, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में भारत द्वारा 2022 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले किस अंतरिक्ष यान के बारे में जिक्र किया? ये क्या गगनयान, अंतरिक्ष यान के बारे में, इसका सही आंसर होगा गगनयान। और इस यान के बारे में बताया कि हम 2022 में भारत से एक ऐसा यान भेजेंगे जिसमें मैन जाएगा, मीन्स मानव जाएगा, स्पेस मिशन होगा वो। और इसको भेजेगा कौन? इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में, और उसके जो चेयरमैन है वो है के सिवान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने के लिहाज से सबसे खराब है? तो सबसे अच्छा कौन सा है? तो सबसे अच्छा है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया। और दूसरा सबसे अच्छा शहर कौन सा है? मेलबर्न, जो कि पहले यही आता था, बहुत लगातार यही आ रहा था मेलबर्न। मेलबर्न जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है? कैनबरा। और तो सबसे खराब शहर कौन सा है? सबसे खराब शहर है डमास्कस, जो कि सीरिया की राजधानी है, ये सीरिया की राजधानी है और ये सबसे खराब शहर भी है। फिर डिस्कस करेंगे हम कि सबसे टॉप टू में, मतलब टॉप थ्री ऊपर से कौन है अच्छा शहर, और नीचे से टॉप थ्री कौन सा है सबसे गंदा शहर, मीन्स खराब शहर रहने के लायक से। इसको जो है वो 6 परिमाण पर नापा गया है कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना सिटी को जो है, अगर इस तरह से आया कि सबसे अच्छा देश रहने के हिसाब से कौन सा है, तो फिर आपको ऑस्ट्रिया का टिक करके आना है। और सिटी की अगर बात की जाए तो फिर वियना। फिर दूसरा सबसे अच्छा शहर कौन सा है? मेलबर्न। वैसे आपको आपके एग्जाम में सिटी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऊपर से 2 याद रखिए और नीचे से 2। सबसे खराब शहर रहने के लिहाज से सीरिया, मीन्स उसकी सिटी डमास्कस, और दूसरा सबसे खराब शहर रहने के लिहाज से ढाका, जिसकी जो कि किसकी कैपिटल है? बांग्लादेश की। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इससे, वियना जो है, वियना में किसका हेडक्वार्टर है? ओपेक का, ओपेक जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में। ये जो है वो तेल निर्यातक कंट्री है, जो कि तेल का निर्यात करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में, जो कि इराक की राजधानी है। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस देश के अस्पतालों, चैरिटेबल ट्रस्टों और शैक्षणिक संस्थानों को 30 एम्बुलेंस और 6 बसें उपहार में दी, मीन्स स्वतंत्रता दिवस पर। और स्वतंत्रता दिवस पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि कितने मिनट पीएम मोदी ने भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस पर, तो 82 मिनट। तो ये दिया गया नेपाल को, 30 एम्बुलेंस और 6 बस, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। नेपाल में ही विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है हिमालय, जिसे नेपाल में सागर मठ के नाम से जानते हैं, नेपाल में इसे सागर मठ कहा जाता है।
और कुछ नहीं, और सर का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। फिर नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले अनुवांशिक बैंक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया, ये जेनेटिकल अनुवांशिक अनुवांशिक बैंक है, जेनेटिकल बैंक है। तो ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो भी लुप्त प्राय जाति हैं उनका संरक्षण करने के लिए। तो ये बनाया गया हैदराबाद में। अनुवांशिक के पिता किसे कौन कहे जाते हैं, तो मेंडल। फिर हाल ही में किस पूर्व क्रिकेट कप्तान का निधन हो गया, तो अजीत वाडेकर जी का निधन हो गया, ये कप्तान थे 1971 से 1974 तक। और इनसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आ सकता है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और इनसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसके कप्तानी में भारत ने सबसे पहला ओडीआई खेला, तो ये खेला अजीत वाडेकर जी के ही कप्तानी में। फिर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस पर किस राज्य ने एक पुलिस ऐप डायल 100 लॉन्च किया, जैसे व्हाट्सएप ऐप है, फिर फेसबुक है, बहुत सारे ऐप हैं, तो ये ऐप, इस ऐप का ये ऐप है और इसका नाम है डायल 100। तो ये किस राज्य के पुलिस ने लॉन्च किया 15 अगस्त को, तो ये किया मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, भोपाल है। और इसका सबसे स्वच्छ सिटी, सबसे मीन्स इंडिया का सबसे स्वच्छ सिटी कौन सा है, क्लीन सिटी, तो इंदौर है, और दूसरे नंबर पे भोपाल है, तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल जी को, जो कि गुजरात की पहले मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी, तो आनंदीबेन पटेल को छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार भी मिला है राज्यपाल का। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल INI, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नंदूला रघुराम। ये पहले भारतीय और पहले एशियाई होंगे जो कि इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के अध्यक्ष बनेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, एन रघुराम आपके ऑप्शन में होगा, एन रघुराम। फिर नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, भारत का 53वां ग्रैंड मास्टर कौन बना, अबूधाबी ग्रैंड मास्टर कौन बना, तो इसका सही आंसर होगा निहाल सारिन, निहाल सारिन। तो ये बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये 53वें ग्रैंड मास्टर बने चेस में। चेस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, चेस खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो भारत, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। हाँ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल नॉलेज हाउस को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।